अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर में लेसन नंबर 10 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कंप्यूटर केसिंग क्या होती है और आप कंप्यूटर केसिंग क्यों यूज करते हो, इसका क्या फायदा होता है और उसके अलावा केसिंग फैन क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर जो फैन लगा हुआ था उसका क्या फंक्शन होता है, किस लिए आप उसे यूज करते हो। ओके, व्हाट इज कंप्यूटर केस? स्टूडेंट्स, कंप्यूटर केसिंग कैसी चीज होती है जो आपके कंप्यूटर को बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है और आपके सिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं जो मदरबोर्ड के साथ लगे हुए हैं, चाहे वो अलग से जैसे कि डीवीडी रोम लगा हुआ होता है, हार्ड डिस्क होती है, इसके अलावा फ्लॉपी ड्राइव्स होती है, काफी सारी चीजें होती हैं जो अलग से लगी हुई होती है, इन सब के सब को ऑर्गेनाइज करता है और इन सब की प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। कंप्यूटर केसिंग के अंदर इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना हुआ होता है कि इसमें हर चीज के लिए अलग अलग से हिस्सा बने हुए होते हैं, हर चीज के अलग अलग हिस्से बने होते हैं। मीन अगर आपने हार्ड ड्राइव अगर लगाने तो हार्ड ड्राइव का अलग से एक स्ट्रक्चर, एक अलग से जगह बनी हुई होती है, उसके अलावा अगर आपने सीडी रोम या डीवीडी रोम लगाना है तो उसके लिए अलग से जगह बनी हुई होती है, मदरबोर्ड के लिए अलग से, और उसके अलावा आपका जो पावर सप्लाई होती है उसके अलग से जगह बनी होती है। तो केसिंग जो होती है बेसिकली आपके सिस्टम को एक तो प्रोटेक्ट करती है और दूसरा आपके सिस्टम में जितनी भी कंपोनेंट्स होते हैं इन सब के सब कंपोनेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज होती है। तो ये आपको सिंपल एक केसिंग नजर आ रही है, इसके अंदर आपने अभी तक कुछ भी नहीं लगा हुआ, मीन कोई भी कंपोनेंट नहीं लगा हुआ, सिंपल एक केसिंग है और वो आपको नजर आ रही है। इसका फंक्शन क्या होता है, फायदा क्या होता है, इस पर हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, केसिंग का फंक्शन क्या होता है, आप इसे क्यों यूज करते हो? तो केसिंग का जो बाहर बॉक्स होता है, मेन आपका जो मदरबोर्ड के बाहर जो बॉक्स होता है वो किस लिए यूज होता है? सबसे पहले तो उस बॉक्स का जो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना हुआ होता है कंप्यूटर केसिंग का कि जिसमें आप हर चीज आसानी से आप उसके अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हो, उसके अंदर लगा सकते हो। उसका स्ट्रक्चर अगर आप और से देखो, हम आगे देखेंगे भी उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उस स्ट्रक्चर के अंदर अलग से हर एक चीज के लिए अलग अलग से पार्ट बने हुए होते हैं, हिस्से बने हुए होते हैं। आपने डीवीडी रोम लगाना है तो डीवीडी रोम का अलग से हिस्सा बना होगा, हार्ड डिस्क का अलग से बना हुआ होगा, फ्लॉपी का अलग से बना होगा, फ्लॉपी ड्राइव का अलग से बना होगा, और उसके अलावा मदरबोर्ड का अलग से बना हुआ होगा, पावर सप्लाई अलग से होगी। तो इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है ताकि इसमें कोई आपके सिस्टम जब आप इसमें इंस्टॉल करो या आप अपने मेन इसमें जब आप रैम वगैरह इंस्टॉल करो या फिर आप इसमें प्रोसेसर वगैरह, तो उसमें हर चीज के लिए आसानी हो, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया जाता है। उसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए केसिंग यूज होती है। प्रोटेक्शन मीन क्या, कि आपके जो कंप्यूटर के अंदर अगर कोई कंप्यूटर के अंदर जो है डर्ट वगैरह को खत्म करने के लिए, ताकि इसमें कोई गर्द गुबार अंदर इसके ना जाए कंप्यूटर के अंदर। इसके अलावा आपका कंप्यूटर कुछ चीजें ऐसी सेंसिटिव इसके अंदर होती हैं, कंप्यूटर के अंदर लगी होती हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, और उसके अलावा इंसान की प्रोटेक्शन के लिए भी इसको आप यूज केसिंग को आप यूज करते हैं। इंसान की प्रोटेक्शन इस तरह के, इसमें जो क्योंकि इसमें कुछ चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं, करंट इसके अंदर होते हैं, तो इसमें स्मॉल करंट होता है, तो उसको अगर टच करता है कोई इंसान, टच करता है कोई किड्स वगैरह बच्चे वगैरह अगर उसको हाथ लगाते हैं टच करते हैं, तो उनको वो करंट फील हो सकता है या फिर करंट लग सकता है। तो इस चीज की प्रोटेक्शन के लिए भी इसकी केसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा कूलिंग के लिए, तो अगर आपने केसिंग जो है तो पास केसिंग ऐसी होती है, ये कंप्यूटर के अंदर बाद लोग ऐसी केसिंग उसमें अप्लाई लगाते हैं आप सिस्टम में, कि जो बहुत स्मॉल है, छोटी केसिंग होती है। अब उनका वो जब छोटी केसिंग होगी तो उसमें एक तो हीट बहुत ज्यादा होती है, आपके अंदर से सिस्टम जितने भी होते हैं, अंदर से जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो बहुत एकदम से जल्दी हीट अप हो जाते हैं, हीट अप होने की वजह से अंदर से प्रोसेसर जल सकता है और भी चीजें जल सकती है। तो उसको कूलिंग फॉर्म करने के लिए इसके कंप्यूटर के फ्रंट पे, मीन इसकी जो केसिंग होती है इसके फ्रंट पे या बैक साइड पे फैन लगा हुआ होता है। उस फैन का फंक्शन ही होता है कि आपके जो इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको कूलिंग फॉर्म करने के लिए आप फैन यूज करते हो। तो ये भी इसके अंदर केसिंग का ये फायदा है कि उसमें फैन की अलग से जगह बनी हुई होती है। उसके अलावा नॉइस जो होती है, तो नॉइस को ये रिड्यूस करता है। मीन अगर आप देखें तो जो स्मॉल पीसी होते हैं या बहुत छोटे जो पीसी होते हैं जिनके केसिंग जो छोटी होती है, उनके अंदर जब सारी की सारी चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो
जो स्पेस होता है वो आई मीन बहुत ज्यादा कन्फाइंड केसिंग होती है, और उसमें स्पेस बहुत कम होता है। स्पेस कम होने की वजह से उसमें कुछ नॉइस प्रोड्यूस होती रहती है, आवाज आती है बहुत ज्यादा जब प्रोसेसर चल रहा होता है अंदर, उसके अंदर जब हार्ड डिस्क चल रही होती है तो हार्ड डिस्क की आवाज आती है बहुत ज्यादा। अगर आप वैसे नॉर्मली अगर आप अपने कंप्यूटर, अगर आप दो हार्ड डिस्क अगर आपने रखी हुई है तो आप हार्ड डिस्क को ऊपर नीचे अगर रखोगे तो उससे भी बहुत ज्यादा शोर होता है, क्योंकि हार्ड डिस्क जो होती है वो जो होती है जब वो चल रही होती है तो वो वाइब्रेट हो रही होती है। आप उसे हाथ लगा कर अगर टच करके देखो तो उसमें वाइब्रेशन होते काफी सारे, और अगर इसके ऊपर कोई और एलिमेंट्स भी अगर इसके साथ लगा हुआ है तो उससे बहुत ज्यादा शोर होता है। तो उस शोर को खत्म करने के लिए जो तो आपकी केसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि आपका वो जो शोर उसमें पैदा हो रहा होता है कुछ जो नॉइस होती है उस नॉइस को खत्म करने के लिए भी आपकी केसिंग जो होती है कंप्यूटर की ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। केसिंग के अंदर एक फैन लगा होता है, फैन का क्या फंक्शन है? तो फैन जो होता है वो नॉर्मली कंप्यूटर के अंदर जो फैन लगा होता है इसका जो साइज होता है वो 80 mm से लेकर 92 mm तक होता है, या फिर 120 mm मीन 12 सेंटीमीटर से लेकर 25 mm तक इसका साइज होता है। तो इसका फंक्शन ही होता है इस फैन का, ये फैन जो होता है आपके कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए यूज किया जाता है, आपके कंप्यूटर के जितने भी अंदर एलिमेंट्स होते हैं इन सब के सबको ठंडा रखने के लिए यूज किया जाता है, तो कंप्यूटर फैन होता है। आप देख सकते हैं अलग से भी फैन लगे होते हैं, एक तो प्रोसेसर के ऊपर लगा होता है, एक कंप्यूटर के फ्रंट साइड पे केसिंग के फ्रंट साइड पे या फिर केसिंग की बैक साइड पे लगा होता है फैन। ये फैन जो होता है ये आपके सिस्टम को ठंडा रखते हैं, आपके अंदर जितने भी इसके कंपोनेंट होते हैं इन सबको ठंडा रखने के लिए, इनको कूलिंग फॉर्म करने के लिए लगाया जाता है। तो ये था जी आपका केसिंग। अब हम केसिंग देखते हैं, केसिंग है क्या और इस पे कैसे काम होता है। तो आपको यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे केसिंग नजर आ रही है, इस केसिंग के अंदर आप देखें तो अलग से आपको पावर सप्लाई का हिस्सा बना हुआ नजर आ रहा है, पावर सप्लाई का हिस्सा बना हुआ है। उसके अलावा आपको ये डिफरेंट पोर्ट्स आपको नजर आ रही है। अब ये जो पोर्ट्स हैं इनमें माउस की पोर्ट है, इसके अलावा और भी काफी सारी पोर्ट्स होती है, और ये पोर्ट्स आपको सामने नजर भी आ रही होंगी। इसमें एक तो आपकी VGA की पोर्ट्स होती हैं और पोर्ट 2 होती हैं, उसके अलावा इसमें जो है तो USB पोर्ट्स होती हैं, माइक वगैरह की पोर्ट्स होती है, स्पीकर की पोर्ट्स होती है, सारी पोर्ट्स लगी होती है, सारी पोर्ट्स मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती हैं। जब आप मदरबोर्ड इसके साथ लगाते हो, इसके साथ जो ही आप इंसर्ट करते हो मदरबोर्ड तो ये सारी की सारी पोर्ट बाहर की तरफ आ जाती है और आपको आसानी होती है इस पे काम करने। अब जो ही मदरबोर्ड हमने ऑर्गेनाइज किया लगाया तो आप देखिए आपको सामने मदरबोर्ड से रिलेटेड पोर्ट सारी नजर आ रही है, ये जो पोर्ट है सारी, इनके ऊपर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि इसका फायदा क्या, आप इस पे कैसे काम कर सकते हो। तो केसिंग का जब आप इसका टॉप ओपन करते हैं तो आप देखिए इसके अंदर कंप्लीट ऑर्गेनाइज किया हुआ है, केसिंग के अंदर जितना भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं सारे के सारे ऑर्गेनाइज किए हुए, उसमें हर एक चीज की अलग अलग से जगह बनी हुई है, हर चीज के अलग अलग से हिस्सा बना हुआ है। देखिए तो ये पावर सप्लाई आपको देखिए अलग से ऑर्गेनाइज की हुई है, ये मदरबोर्ड है, इसकी वायर्स हैं, फ्लॉपी हार्ड ड्राइव है, आप देखें हार्ड ड्राइव आपकी ऑर्गेनाइज की हुई है, फैन है, प्रोसेसर के ऊपर फैन लगा हुआ है, प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए यूज होता है, कूलिंग के लिए यूज किया जाता है, और सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो स्टूडेंट्स ये था, ओके तो ये था जी कंप्यूटर के कंप्लीट हार्डवेयर में अब केसिंग क्या होती है और केसिंग आप कैसे क्यों यूज करते हो, इसका फायदा क्या होता है। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं कुछ और टॉपिक कुछ और चीजों के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।